Hey guys, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to strategic financial management, that is security analysis and portfolio management. हमने पिछली क्लास में सिक्योरिटी एनालिसिस स्टार्ट किया था और सिक्योरिटी एनालिसिस में हमने देखा था उसमें दो टाइप के एनालिसिस होते थे, पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस. हमने फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट किया था. फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर तीन एनालिसिस थे, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी. इकोनॉमिक एनालिसिस हमने पिछली क्लास में ही कंप्लीट किया है. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्री एनालिसिस. इंडस्ट्री एनालिसिस मतलब आप एक ग्रुप ऑफ फर्म्स का एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि एक ही टाइप के प्रोडक्शन करते हैं. समझ लीजिए सिमिलर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर रहता है उनका प्रोडक्शन का, और सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ही वो प्रोड्यूस करते हैं, वो एक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं. ठीक है, अब जो इंडस्ट्री एनालिसिस है उसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं. ये हम डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं. तो इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, और आप मान सकते हैं हमारे जो भी सप्लायर्स और बायर्स हैं. सप्लायर्स में अगर बार्गेनिंग पावर और सप्लायर कैसी है वो हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी, साथ साथ बायर की बार्गेनिंग पावर कैसी है वो हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगी. अगर कोई नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं तो पुरानी जो भी हमारी कंपनी है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर वो इससे अफेक्ट होंगी. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट्स. अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके अलग से कोई और सब्स्टिट्यूट आ गए तो वो भी हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, तो ये सारे नॉर्मल मेजर फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं. और नॉर्मल फैक्टर्स है, ये सबको पता होता है कि नॉर्मली ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं. इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का कैरेक्टर क्या है, किस टाइप के प्रोडक्शंस वहाँ पे किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री का एनालिसिस होना चाहिए. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर एंड द प्रोडक्ट द इंडस्ट्रीज डिमांड इज कैलकुलेटेड. जैसे कि एक इंडस्ट्री है जिसका प्रोडक्ट सीजनल है तो सीजनल प्रोडक्ट की डिमांड भी सीजनल ही होगी. ठीक है, मतलब सीजन्स में ही उसको यूटिलाइज किया जाता होगा. तो इसके कारण उसका जो हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो एज कम्पेयर टू ऐसे प्रोडक्ट जो कि हर टाइम यूटिलाइज होते हैं उससे कम रहेगा उस इंडस्ट्री का. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भी इंडस्ट्री की एनालिसिस की जाती है. नेक्स्ट इज डिमांड इन मार्केट. अब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल तभी हो सकती है जब उसकी डिमांड गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है. तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी डिमांड गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है, तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं होगी. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी. आपको ये चेक करना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के फेवर में है कि नहीं. इंडस्ट्रीज के जो मेन एम्स हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई गई है कि नहीं, ताकि आप जो भी एम है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का वो फुलफिल हो जाए. नेक्स्ट इज लेबर एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम. हमको पता है हमारे जो इंडस्ट्रीज है उसमें लेबर्स यूज़ किए जाते हैं और लेबर डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट एक्सपर्टाइज के होते हैं. अगर समझ लीजिए किसी इंडस्ट्री में लेबर प्रॉब्लम है, मतलब हमारे लिए, हमको पता है कि प्रोडक्शन के लिए लेबर बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है ये हमारी. ठीक है, लेकिन आज अगर आपके पास लेबर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, मतलब समझ लीजिए आपका प्रोडक्शन ही ठीक से नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है तो आगे की सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में लेबर में ही अगर प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर ये प्रेफर किया जाता है कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे लेबर प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाली है. क्योंकि वो अपने लेबर्स, उनके पास लेबर्स नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि वो लेबर्स को सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं. इन दैट केस अगर वहाँ के लेबर ही सैटिस्फाइड नहीं है तो आप उस उनके शेयर्स में आप पैसे लगाएंगे तो आप कहाँ से सैटिस्फाई होंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट. तो मार्केट अगर देखा जाए तो लेबर एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स में हमारा मार्केट भी कवर किया गया है. तो अगर मार्केटिंग में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में आपकी प्रॉब्लम हो रही है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इन दैट केस उस इंडस्ट्री को
आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो इन दैट केस उसमें आपको केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी बिफोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस इंडस्ट्री में अब देखिए हमारे लिए हमको पता है सबसे पहले प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, प्रोडक्शन के बाद गुड्स जब पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो मार्केटिंग करना ज़रूरी है ताकि आप उसको बेच सकें। फर्स्ट अगर लेबर में प्रॉब्लम है तो प्रोडक्शन में ही आपकी प्रॉब्लम होने वाली, इन दैट केस ये इंडस्ट्री को पूरी तरीके से निग्लेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग में प्रॉब्लम है तो मार्केटिंग में अगर प्रॉब्लम है फिर भी आपके गुड्स अच्छी तरीके से सेल आउट हो सकते हैं इफ़ अगर आपके गुड्स बहुत अच्छे हैं तो बिना मार्केटिंग के भी आपके गुड्स को अच्छी वैल्यू मिल सकती है। इन दैट केस आपको उसमें अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तभी आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के शेयर्स को चुनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, अब किसी भी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट कैसा है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब उस इंडस्ट्री के कंपनीज मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि मैनेजमेंट ही हमारी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ को चलाती हैं। तो मैनेजमेंट ही अगर अच्छी नहीं है इन दैट केस आपको उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, हमने पूरे पास के चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मेन आता है हमारा कि फ्यूचर में वो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है, तो ये डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू पास्ट, आप चेक करते हैं कंपनी को कि पास्ट में उसने कैसे परफॉर्म किया और उसके अकॉर्डिंग उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है जब आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्निक्स यूज्ड इन इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस में दो टाइप्स की टेक्निक्स यूज होती है, फर्स्ट इज रिग्रेशन एंड सेकेंड इज इनपुट आउटपुट एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, जिसके अंदर अगर आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता है तो उसके थ्रू आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, समझ लीजिए आपके पास हमारे पास ईयर की इन्फॉर्मेशन है, चार साल का आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके साथ आपको सेल्स दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। समझ लीजिए सेल्स 100,000 का था तो एडवर्टाइजमेंट हमने की थी 10,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट जब सेल्स हमारा 2,00,000 रुपीज़ का हुआ तो हमने एडवर्टाइजमेंट की 15,000 की। नेक्स्ट हमारा सेल्स जब 300,000 का हुआ तो हमने एडवर्टाइजमेंट की 20,000 की, ठीक है। अब नेक्स्ट जब सेल हमारा 400,000 का होगा तो आपको बताना है कि एडवर्टाइजमेंट कितनी होगी, तो हमको यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया दैट इज सेल्स, और उसको यूज़ करके आपको एडवर्टाइजमेंट को फाइंड आउट करना है कि आप एडवर्टाइजमेंट कितने का करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये फाइंड आउट करने के लिए हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं, और इसके थ्रू हम अगर आपको एक फैक्टर पता है तो आप दूसरे फैक्टर्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक इंडस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे हो गए हमारे फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स में आपको फाइंड आउट करना है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, कौन सा वाला किस पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आप अगले फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इनपुट दूसरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आउटपुट होता है और वही दूसरे इंडस्ट्री में जाके रॉ मटेरियल बनता है। समझ लीजिए ये है हमारे पास इंडस्ट्री ए, ये है हमारे पास इंडस्ट्री बी। इंडस्ट्री ए जो भी अपना आउटपुट बना रही है वो आउटपुट इंडस्ट्री बी में एज इनपुट यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस क्यों किया जाता है कि फाइंड आउट करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री का आउटपुट किस इंडस्ट्री के इनपुट में जा रहा है, और इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने की। तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री फाइंड आउट करेगी कि मेरा आउटपुट कौन कौन से इंडस्ट्री में जा रहा है और मैं किस किस इंडस्ट्री के आउटपुट को अपने इनपुट की तरह यूटिलाइज कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूरी एनालिसिस करने के बाद एट लास्ट आपके पास फाइंड आउट होता है कि आपको कितनी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है और कितने सारे प्रोडक्ट्स हमको अलग अलग इंडस्ट्री से लेने पड़ेंगे, वो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो एनालिसिस हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज को हमारे चार टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज ग्रोथ इंडस्ट्री, सेकंड साइक्लिकल इंडस्ट्री, थर्ड इज डिफेंसिव इंडस्ट्री एंड साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री. तो ग्रोथ इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जो कि नॉर्मल इंडस्ट्रीज से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रही है. नॉर्मली ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि बाकी इंडस्ट्रीज से ज़्यादा डिमांड में होती है, और ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि न्यू प्रोडक्ट्स लेके आई हैं. तो नॉर्मली हम ग्रोथ इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि आजकल के एरा में टेक्नोलॉजीज ज़्यादा ग्रो हो रही हैं एज कम्पेयर टू बाकी अदर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, तो ग्रोथ इंडस्ट्री जो कि ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रही है एज कम्पेयर टू बाकी सारी इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट आता है साइक्लिकल इंडस्ट्री. साइक्लिकल इंडस्ट्री क्या है? ये इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ग्रो होती है, मतलब इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो हमारी ये इंडस्ट्रीज भी ग्रो होंगी, अदरवाइज इकोनॉमी स्लो डाउन है तो ये इंडस्ट्रीज भी स्लो डाउन रहेंगी. जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी साइक्लिकल के अंदर एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आता है डिफेंसिव इंडस्ट्रीज. डिफेंसिव इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि जो हमारा बिजनेस साइकिल है उससे अफेक्ट नहीं होती. बिजनेस साइकिल मतलब इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो वो ग्रो होगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो वो स्लो डाउन होगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. ये डिफेंसिव इंडस्ट्री है, नॉर्मली वर्क करती है, भले इकोनॉमी स्लो डाउन हो या ना हो, दोनों टाइम पे ये एक ही तरीके से वर्क करेगी. जैसे कि ड्रग्स और हमारे जो भी मेडिकल के वर्क्स आते हैं वो सारी चीज़ें, और जो भी ऐसे रिक्वायरमेंट है जो कि हमेशा ज़रूरत रहने वाली है, वो सारी चीज़ें हमारी डिफेंसिव के अंदर कवर की जाती हैं. नेक्स्ट आता है साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री इन दोनों का मिक्सअप है, जहाँ पे साइक्लिकल इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल को यहाँ पे शो किया जाता है और साथ साथ ग्रोथ इंडस्ट्री की भी इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं. तो ये साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री क्या है? जहाँ पे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी अगर बूस्ट अप हो रही है, इन दैट केस ये इंडस्ट्रीज इकोनॉमी से भी अच्छी बूस्ट अप होंगी. मतलब इकोनॉमी में जो भी इंडस्ट्रीज बूस्ट अप हो रही है उनसे बहुत अच्छी बूस्ट अप होंगी अगर इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है. इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो ये भी स्लो डाउन होंगे. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो. तो हमारा जो साइक्लिकल ग्रोथ है उसमें दोनों के फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. ग्रोथ मतलब जो कि नॉर्मली ग्रो होते हैं बाकी इंडस्ट्रीज से ज़्यादा अच्छे से. साइक्लिकल जो कि इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है तो ये भी बूस्ट अप होंगे. डिफेंसिव दैट इज इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड नहीं होता है, ये नॉर्मल हर टाइम पे, मतलब इकोनॉमी बूस्ट अप हो या स्लो डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर समय ये नॉर्मली बिहेव करते हैं. नेक्स्ट इज साइक्लिकल ग्रोथ, जिसमें हमारे दोनों के फीचर्स होते हैं, दैट इज साइक्लिकल एंड ग्रोथ. तो यहाँ पे आपकी इकोनॉमी जब बूस्ट अप होती है तब यहाँ पे ग्रोथ आता है, और बाकी इंडस्ट्रीज से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आप यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो. हमने इसी के साथ इंडस्ट्री एनालिसिस पूरी तरीके से कंप्लीट किया. नेक्स्ट इज कंपनी और कॉरपोरेट एनालिसिस. ये क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा. लास्ट है हमारा एनालिसिस का, हमने इकोनॉमिक एनालिसिस देख लिया, फिर उसके बाद हम इंडस्ट्री में आए, और इंडस्ट्री के बाद अब जिस पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की एनालिसिस यहाँ पे की जाएगी. तो यहाँ पे हम ऐसे वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फर्म को, उसके फ्यूचर को, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से जो भी अफेक्ट करता है वो यहाँ पे स्टडी किया जाएगा. ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप कॉम्पिटेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्म एक्चुअल में कॉम्पिटेटिव पोजीशन, मतलब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है, तो इस पर्टिकुलर कंपनी का कॉम्पिटेटिव पोजिशन क्या है इंडस्ट्री में, वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसकी एफिशिएंसी जो है हम उसके फाइनेंशियल पोजिशंस और उसके शेयर होल्डर्स की अर्निंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है. अब देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ा था फंडामेंटल एनालिसिस में, हमारा मेन एम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना. तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पूरे एनालिसिस करने पड़ते हैं. जब एट लास्ट आप कंपनी एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट की जाती है. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जब आप कंपनी का एक्सटर्नल फैक्टर्स को नेग्लेक्ट करके जब इंटरनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू डिसाइड की जाती है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है. ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जब आप कंपनी एनालिसिस करते हैं उसी टाइम पे ये फाइंड आउट किया जाता है. कंपनी एनालिसिस जो है
उसमें नॉर्मली दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है. फर्स्ट इज कंपनी बाकी अदर कंपनीज के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम कर रही है. मतलब अगर कंपेयर किया जाए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, हमने देखा बहुत सारी कंपनी हो सकती है. हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो कंपनी बाकी अदर कंपनीज के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम कर रही है, वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. और दूसरा होता है कि पिछले सालों में जैसा हमारी कंपनी परफॉर्म की है उसके अकॉर्डिंग इस साल उसकी परफॉर्मेंस में क्या ग्रोथ आया है, वो आप यहाँ पे चेक करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फैक्टर्स जो कि कंपनी एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है हमारे पास नेट वर्थ एंड बुक वैल्यू. तो नेट वर्थ मतलब क्या होता है, नेट वर्थ मतलब आप ले सकते हैं सारे एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, मतलब बचे हुए जो हमारी ओनर्स फंड होते हैं वो हमारी नेटवर्थ कहलाता है. तो नेटवर्थ को आप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सारे एसेट्स आते हैं माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, इसके थ्रू आप नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस फाइंड आउट कर सकते हैं. नेटवर्थ निकालने के बाद आप इसके थ्रू बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुक वैल्यू जानना एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की. ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा टोटल नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो बुक वैल्यू ऑफ शेयर आप फाइंड आउट कर सकेंगे कि पर शेयर बुक वैल्यू हमारी क्या आ रही है. अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, तो ये निकालने से नॉर्मली आपको पता चलता है कि हमारे शेयर की बुक वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू क्या है. अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए बुक वैल्यू को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं यूटिलाइज किया जा सकता, क्योंकि बुक वैल्यू जो रहती है वो ओल्ड हमारी वैल्यूज रहती है, जैसे एसेट की एक्चुअल वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं होती है बुक वैल्यू. इसलिए बुक वैल्यू से आप इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आपको एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एसेट्स लेनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही वो वैल्यूज निकलेगी. तो हमने जब इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ा था उसके अंदर मेथड्स भी पढ़े थे, तो नॉर्मली वैसे मेथड्स यूटिलाइज करके जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारा था और डिविडेंड डिस्काउंट मेथड था, उनके थ्रू आप यूटिलाइज करके इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ना कि बुक वैल्यू को यूज करके. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. किस किस सोर्सेज से हमारे पास फंड्स आ रहे हैं और किस किस सोर्सेज में हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा उस कंपनी के, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा. तभी आपको पता चलेगा कि किस किस सोर्सेज से हमारे पास फंड आ रहे हैं और यूटिलाइज कहाँ कहाँ उनको किया जा रहा है. तो क्या वो बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कहाँ कहाँ से सोर्सेज आ रहे हैं वो बेनिफिशियल है कि नहीं, और जिस जिस जगह पे हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फंड्स वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, वो आप इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस. टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम कंपनी में कितने चेंजेस आए हैं वो आप टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं. मतलब पहले प्रॉफिट इतना था 10 लाख था, अब 20 लाख हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे शेयर्स कितने बढ़े, ये सब चीज़ें चेक करके आप टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं. कॉमन साइज स्टेटमेंट इज नॉर्मली आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि नॉर्मली हर कंपनी का एक टाइप का ही होता है. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को यूटिलाइज करके आप इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं. इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब एक फर्म से दूसरे फर्म का कंपैरिजन, और इंट्रा फर्म मतलब एक ही फर्म के पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस. फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस इज यूजिंग द रेशियोज टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो हमारा कंपेरेटिव एनालिसिस में टेक्निक्स जो यूज होती है, पहला है कॉमन साइज स्टेटमेंट और दूसरा है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस. कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एनालाइज किया जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परसेंटेज फॉर्म में निकाला जाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक अमाउंट को हम परसेंटेज में निकालते हैं, नॉर्मल एक अमाउंट को बेस लेके. जैसे समझ लीजिए सेल को हमने बेस लिया, उसके अकॉर्डिंग आप हर एक अमाउंट जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं. ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए हमने परचेस
डिवाइडेड बाय सेल्स किया, तो सेल्स नॉर्मल बेस में लिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा। ऐसी हर एक वैल्यू को हम लेंगे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और उसका परसेंटेज निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सेल्स। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है वो हर एक कंपनी का आप निकालेंगे और अलग अलग कंपनी का इसी के अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। दूसरा आता है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। तो ये हम करते हैं हमारे उसके थ्रू फाइनेंशियल रेशियोज को यूटिलाइज करके, अलग अलग कंपनीज के फाइनेंशियल रेशियोज निकाल के और उसको कंपेयर करके हम फाइनेंशियल रेशियोज एनालिसिस यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू फैक्टर्स कंसिडर्ड इन कंपनी एनालिसिस। नेक्स्ट इज साइज एंड रैंकिंग। मतलब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या फिर पूरी इकोनॉमी एज अ होल में हमारी जो भी कंपनी है उसका साइज क्या है और उसकी रैंकिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि अगर जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का साइज और रैंकिंग ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, वो ज़्यादा अच्छा आपको इफेक्ट देगी एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ रिकॉर्ड। ग्रोथ आपका, हम जो है ग्रोथ आप किस में चेक करते हैं, ग्रोथ चेक करते हैं हमारे सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई है, हमारी नेट इनकम कितनी बढ़ी है, हमने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया था उसमें कितना ग्रोथ हुआ है और अर्निंग पर शेयर में हमारा कितना ग्रोथ हुआ है कंपनी में, ये सारी चीज़ें हम ग्रोथ रिकॉर्ड के अंदर चेक करते हैं। अब ग्रोथ रिकॉर्ड को चेक करने के लिए हमारे पास ग्रोथ इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स नॉर्मली 3 मेन इंडिकेटर्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, सेकेंड इज परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग, थर्ड इज परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ नेट ब्लॉक। प्राइस अर्निंग रेशियो दैट इज शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर आप ये करते हैं तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो मिल जाएगा, इसको इन डिटेल हम आगे और देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग, मतलब आपकी अर्निंग में कितना ग्रोथ हो रहा है ये भी यहाँ पे देखा जाता है। तो परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग में हम सबसे पहले लेते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो जो हमने यहाँ पे निकाला, डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट कि इसमें ग्रोथ होने के कितने चांसेस है। तो अगर देखा जाए प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग में, तो ज़्यादा हमारा प्रेफरेबल होता है प्राइस ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग, क्योंकि इसके साथ साथ आप ग्रोथ को भी एनालाइज करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ नेट ब्लॉक, तो यहाँ पे हम नेट ब्लॉक में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है पिछले बार से, ये यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो नेट ब्लॉक क्या होता है, नेट ब्लॉक होता है ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है, तो ग्रॉस ब्लॉक मतलब सारे एसेट्स का टोटल, जो कि आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो आपने सम पे किया था वो सम का टोटल आप यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक लेते हैं और फिर उसके बाद जो भी हमारा डेप्रिसिएशन आया है वो डिडक्ट करते हैं, तो आपका नेट ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड देयर यूटिलाइजेशन एंड प्रपोज एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लान। तो जब भी आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखते हैं किसी भी कंपनी का, तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में वो कंपनी किस तरीके से एक्सपेंशन करने का सोच रही है, ये दोनों चीज़ें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जिस्टिंग में उनकी कैपेसिटी क्या है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, ये हो गई हमारी प्रेजेंट सिचुएशन। और इसके बाद प्रपोज एक्सपेंशन या फिर डाइवर्सिफिकेशन के क्या क्या प्लान्स हैं, ये हो गई हमारी फ्यूचर सिचुएशन। तो दोनों को एनालाइज करना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ग्रोथ हमारा एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे कंपनी के एनालिसिस में बहुत आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि जिसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, जो कि पास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, मतलब वो हर साल उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, इन दैट केस वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको रेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, समझ लीजिए अभी आपने इन्वेस्टमेंट की कंपनी में 100 शेयर्स आपने खरीद लिए, लेकिन ये कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू आपने 1,00,000 रुपये पे की, ये आगे जाके अगले साल भी 1,00,000 रुपये रहने वाला है, उसके अगले साल भी 1,00,000 रुपये रहने वाला है, मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसमें है ही नहीं। भले ये कंपनी बहुत अच्छा वर्क कर रही हो लेकिन ग्रोथ इसमें नहीं हो रहा है, इन दैट केस अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में, तभी आप उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्निक्स यूज्ड इन कंपनी एनालिसिस. तो यहाँ तीन टेक्निक्स यूज होती हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एंड ट्रेंड एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन हमने देख लिया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट किया जाता है एंड रिग्रेशन एनालिसिस. तो जब आप ये फाइंड आउट करते हैं रिलेशन, मतलब कौन सा डिपेंडेंट है किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ये जो रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो ये रिलेशन कितना मजबूत है, कितना अच्छा रिलेशन है, ये कौन फाइंड आउट करता है, कोरिलेशन. तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस दोनों का कंपनी के अंदर यूज किया जाता है. कंपनी के अंदर जो भी फैक्टर्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है उनके बीच के रिलेशंस भी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है टाइम सीरीज एंड ट्रेंड एनालिसिस, जिसके अकॉर्डिंग आप टाइम के अकॉर्डिंग हमारे कितने चेंजेस हुए हैं कंपनी के अंदर, वो यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं. और लास्ट इज डिसीजन ट्री एनालिसिस, मतलब एक डिसीजन लेने से उसके अंदर क्या क्या अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल होंगे, वो डिसीजन ट्री एनालिसिस के अंदर फाइंड आउट किया जाता है. अब ये क्या है इन डिटेल आपको जानना है तो आप सेकेंड चैप्टर देख सकते हैं, उसके अंदर हमने डिसीजन ट्री एनालिसिस को इन डिटेल किया हुआ है. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो. और इसी के साथ हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है. अब इसको इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है उसके अंदर दो अप्रोच होते हैं सॉल्व करने के, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा होता है बॉटम अप्रोच. अब अप्रोच हम जो अभी अप्रोच देख रहे थे वो टॉप डाउन अप्रोच था, जिसके अंदर हमने क्या किया, फंडामेंटल एनालिसिस को तीन तरीके से डिवाइड किया, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस, और उनके एनालिसिस की. ठीक है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस में हमने एज ए इकोनॉमी होल देखा, GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स हमने एनालाइज किए. जब इंडस्ट्री एनालिसिस किया तो इंडस्ट्री की कैरेक्टर, डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब चीज़ों को एनालाइज किया गया. और जब हमने कंपनी एनालाइज किया तो उसके अंदर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और फ्यूचर ग्रोथ को हमने एनालाइज किया. ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर होता है. फंडामेंटल एनालिसिस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और ये फंडामेंटल एनालिसिस का टॉप डाउन अप्रोच है, जिसके अंदर आप इकोनॉमिक एनालिसिस एज अ होल के साथ नीचे जाते जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, फिर उसके बाद आप जाते हैं कंपनी के अंदर. ठीक है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच के अंदर फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट होता है बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच क्या करता है, ये डायरेक्टली हमारी कंपनी की वैल्यू को इन्वेस्ट कर देता है. कंपनी के वैल्यू को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है. यहाँ पे आप इकोनॉमी, इंडस्ट्री पे नहीं जाते, डायरेक्टली हम कंपनी में जाते हैं, कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती हैं. और बॉटम अप अप्रोच के अंदर आप दो कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट के लिए डिवाइड किया गया है. पहला है ग्रोथ स्टॉक, दूसरा है वैल्यू स्टॉक. ग्रोथ स्टॉक क्या है, आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि पहले से ही ग्रोथ शो कर रही है, उसका अर्निंग पर शेयर, उसका प्रॉफिट एज कम्पेयर टू अदर कंपनी ज़्यादा अच्छा है. तो ऐसी कंपनीज में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो ग्रोथ स्टॉक आपका कहलाता है. नेक्स्ट इज वैल्यू स्टॉक, मतलब यहाँ पे जो शेयर्स का प्राइस है वो चीप रहता है एज कम्पेयर टू ग्रोथ स्टॉक, और लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग अभी ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है. ठीक है, आगे जाके उनकी वैल्यूज इंक्रीज हो सकती है, इन दैट केस वैल्यू स्टॉक चीप रहता है एज कम्पेयर टू ग्रोथ स्टॉक. ग्रोथ स्टॉक मतलब हाई प्राइज शेयर आप खरीद रहे हैं. ये क्यों खरीद रहे हैं, ताकि आपको ये इसमें आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपकी ये जो अर्निंग्स है और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग हाई रहती है. और वैल्यू स्टॉक के अंदर अभी अर्निंग चीप है, लेकिन आगे जाके हाई होने के चांसेस हैं. ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो, ग्रोथ स्टॉक क्या है और हमारा वैल्यू स्टॉक क्या है. तो इसी के साथ हमने फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरीके से कंप्लीट किया. बस इसके अंदर जो टूल्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, वो हमारे बचे हैं, तो वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो और सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई हों. अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स. सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.